बैंक निफ्टी ने तीसरा रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया है और अब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में अप ट्रेंड में वो बढ़ रहा है नेक्स्ट लेवल की तरफ। तो दोस्तों इस टाइप की चीजें अगर आपने सुनी है और आपके मन में सवाल आता है कि भाई ये क्या बोल गए, ये क्या चीज होती है, तो दोस्तों आप बिल्कुल चिंता मत करिए, शेयर मार्केट में प्रॉपर तरीके से टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस से स्टॉक्स को समझने के लिए मैं दुनिया की सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो सीरीज के रूप में। और इस वीडियो में मैं आपको खास तौर पे बता रहा हूँ कि वीडियो के अंत तक आप बहुत साफ तौर पे समझ जाएंगे कि स्टॉक मार्केट में चीजें कैसे काम करती है। इस वीडियो का एक फर्स्ट पार्ट मैंने पहले बनाया हुआ है जिसका मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको जाकर के पहले देखिएगा और उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैं आपको ये जरूर बताता हूँ, एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी दोस्तों कि कभी भी किसी भी वीडियो को लास्ट तक देखने से पहले छोड़ना मत। आए दोस्तों, मैं सागर शर्मा सागर डोमिक्स में आज आपका दोस्त आपके लिए लेकर के आया है टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटीफुल एंड सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। सो सीधा शुरू करते हैं दोस्तों हम उस जगह से जहां से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। लेट्स गो टू आवर स्क्रीन एंड लेट्स सी द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको ये कहा जाए कि किसी बिल्डिंग में आपको चढ़ना है लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे नहीं चलना है, लेकिन सीधा का सीधा आप सेकंड फ्लोर पे जंप करना है आपको, या फर्स्ट फ्लोर पे जंप करना है पर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाना है आपको, तो आपको कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना कि आप जंप करके फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचो, सीढ़ियों से नहीं जाना आपको। तो दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ में है तो ये मान के चलिए कि स्टॉक मार्केट में भी आपके साथ में वही गलतियां हो रही है। आप एडवांस लेवल की चीजें सीखना जाना चाह रहे हैं लेकिन आपको बेसिक्स मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे ग्राउंड फ्लोर के सीढ़ियां चढ़े बगैर फर्स्ट फ्लोर पे नहीं पहुंचा जा सकता, इसी तरह से बेसिक्स को समझे बगैर एडवांस लेवल की टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस शेयर मार्केट की करना ठीक नहीं है। तो आज हम आपके इस वीडियो में आपके बेसिक्स इतने स्ट्रोंग करने वाले हैं कि जिससे आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखते पहचान जाएंगे कि किस बारे में बात हो रही है। हालांकि इस वीडियो में मैं सिर्फ टच बेस करूंगा लेकिन आने वाली पूरी सीरीज में आप एक एक चीज में एक्सपर्ट बन जाएंगे दोस्तों, एक्सपर्ट, और खुद का पैसा खुद इन्वेस्ट करेंगे और अपने पैसे को सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे। और मैं पूरा विश्वास से आपको भरोसा दिलाता हूँ दोस्तों कि आप जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं ना उनसे ज्यादा रिटर्न भी अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों इस एंथुसियाज्म और जोश के साथ में शुरू करते हैं इस वीडियो को और लेट्स डायरेक्टली गो टू आर स्क्रीन। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में जो मैं लास्ट में आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स के बहुत प्यारे बहुत जबरदस्त सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ ना, वो वहां चलने से पहले सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत दोस्तों और इतना टाइम मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा है हार्ड वे से, मतलब कभी नुकसान खा के कभी फायदा उठा करके मुश्किलों से सीखा है, वो अनुभव का मैं आपको बेनिफिट देना चाहता हूँ। इसलिए रिसर्च बेस्ड ऑथेंटिक कंटेंट लेके हमेशा आपके लिए आता रहूंगा। हाँ, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाएगी इससे। दूसरी बात, इस वीडियो को या ऐसे मेरे सारे वीडियोस और प्लेलिस्ट को सारे लोगों तक शेयर कीजिए जिससे किसी का भी नुकसान होने से बच सके। बहुत सारे मेरे मित्र, आपके मित्र, आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में पैसे लगा करके लुटवा देते हैं। अरे कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि उधार पर पैसे लाते हैं और फिर स्टॉक मार्केट में डालते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। अगर ऐसा कोई कर रहा है उसको ये वीडियोस और मेरे वीडियोस का लिंक जो है वो शेयर करिए, मेरे चैनल का लिंक शेयर करिए, उनको बचाइए आप और उनको बचाने से आपको भी पुण्य मिलेगा। सीधा चलते हैं दोस्तों, इसको आप ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। सीधा अपन अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और बात करते हैं किस चीज की कि ये ट्रेंड कैसे काम करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो दोस्तों यहां पर हम देखना चाह रहे हैं कि लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वहां हमने कहा था कि मूविंग एवरेजेस वगैरह हमने समझे थे और कैंडल स्टिक्स के बारे में हमने बात की थी। आज हम कैंडल स्टिक्स में एक बार छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि दो तरीके की कैंडल स्टिक्स होती है दोस्तों। ये आपको या तो रेड और ग्रीन में दिखेगी या ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगी और किसी भी कलर में दिखे, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि इसके चार हिस्से होते हैं किसी भी कैंडल स्टिक के। ये मोमबत्ती है एक तरीके की,
तो चार हिस्सों में से ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, उसको हम कहते हैं बॉडी, और जो दोनों साइड वाले हिस्से हैं उनको कहते हैं विक। अब चार हिस्से कौन कौन से हुए? बॉडी में दो पार्ट होते हैं, नीचे वाला दैट इज ओपनिंग प्राइस, ऊपर वाला क्लोजिंग प्राइस, और सबसे ऊपर वाला हाईएस्ट प्राइस, प्राइस ऑफ द डे, और सबसे नीचे वाला हो जाएगा लोएस्ट प्राइस। अब देखिए, अगर डे ले रहे हैं तो डे की कैंडल बन जाएगी, मंथ ले रहे हैं तो मंथ की कैंडल हो जाएगी। ये सारी टर्म्स आप उसी हिसाब से समझ लीजिएगा, और इतना ध्यान रखिएगा कि अगर रेड कलर है इसका कैंडल का, तो ओपनिंग प्राइस हमेशा ऊपर वाली होगी और क्लोजिंग प्राइस हमेशा नीचे वाली होगी, और अगर ग्रीन या व्हाइट कलर है कैंडल का तो ओपनिंग प्राइस नीचे होगी क्योंकि वो कम होगी और क्लोजिंग प्राइस ज्यादा होगी। और कैंडल स्टिक की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? क्योंकि एक ही बार में आपको चारों जानकारी मिल रही है, इसलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम कुछ डे वाइज जो है वो बॉडी वाइज जो है हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हम कुछ ट्रेंड्स को डिकोड कर सकते हैं इससे, क्या हम समझ सकते हैं कुछ ट्रेंड्स को। तो देखिए, यहाँ आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ना, वहां आपको दिखेगा कि ये लंबी सी एक कैंडल स्टिक है और ये छोटी कैंडल स्टिक है, और कुछ कैंडल स्टिक ऐसी होगी जो स्पिनिंग टॉप होगी, यानी बहुत ही छोटी बॉडी होगी उनकी। तो दोस्तों, जितनी लंबी बॉडी होती है किसी भी चीज की, किसी भी कैंडल की, वो क्या दिखाती है? क्लैरिटी ऑफ ट्रेंड। तो ट्रेंड कितना क्लियर रहेगा ये डिपेंड करेगा कि कैंडल स्टिक्स की लेंथ कितनी है। अब इसको अगर आप दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो आप ये देखिए कि एक सेकेंड दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप इसको स्क्रीन से बाहर निकाल करके वैसे समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, रियल लाइफ के सिनेरियो के हिसाब से, स्टॉक इन्वेस्टर्स की मेंटेलिटी के हिसाब से, ट्रेडर्स की मेंटेलिटी के हिसाब से, कैसे कि अगर मान लीजिए कोई कैंडल स्टिक की लेंथ बहुत ज्यादा है, कैंडल की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो उसका क्या पता पड़ता है? वो क्लियर ट्रेंड को बताती है। क्लियर ट्रेंड का मतलब कि अगर कैंडल ग्रीन है, दैट मीन्स कि पूरे दिन भर में उठापटक करने के बाद में भी कैंडल ऊपर ही बंद हो रही है, यानी ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, तो इसका मतलब सारे ट्रेडर्स यही सोच रहे हैं कि यह स्टॉक आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, इसमें एक गैप अप और ओपनिंग भी होती है, वो भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर कैंडल छोटी है, दैट मीन्स कि लोगों ने दिन भर ट्रेडिंग करी और वो वापस वहीं आकर के क्लोज कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो देखिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, स्क्रीन से आप अच्छे से समझिएगा कि यहां हम बात कर रहे हैं तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों वो ये है कि मान लीजिए कि एक कैंडल है जो इस तरह से बनी हुई है, और मान लीजिए कि ग्रीन कलर की कैंडल है। अब इसमें सपोज करिए 100 रुपये पर खुली, 150 पर बंद हुई, हालांकि बहुत ज्यादा 50% का अप्रिसिएशन इज टू मच, थोड़ा कम कर लेते हैं दोस्तों, ये ज्यादा ही हो जाएगा कुछ। तो मान लीजिए कि 120 पे बंद हुई फॉर एग्जाम्पल, दिन भर में मान लीजिए 90 पे गई लोएस्ट पे, और हाईएस्ट मान लीजिए कि चली गई सपोज करिए 170 पर। तो ये एक दिन की कैंडल है, ओपनिंग प्राइस 100 रुपए, क्लोजिंग प्राइस 120, हाईएस्ट प्राइस 170 और लोएस्ट प्राइस 90। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि जिन ट्रेडर्स ने इसमें 100 रुपए पे सुबह सुबह खरीदना शुरू किया, फिर कुछ उनमें से मिले जिन्होंने इसको तोड़ना शुरू किया। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि शेयर मार्केट के अंदर हमेशा एक जद्दोजहद होती है, एक कंपटीशन होता है दो तरीके के लोगों में, एक जिन्हें हम बुल्स कहते हैं जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, दूसरे जो बेयर्स होते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। बुल्स सोचते हैं कि प्राइस को ऊपर ले करके जाना है, बेयर्स सोचते हैं कि प्राइस कोलैप्स करने वाली है, गिरने वाली है। दोनों के बीच में जब आपस में टक्कर चलती है तो कौन जीतता है उस पर डिपेंड करता है कि प्राइस किस साइड में जाएगी। तो यदि हम ये देखें कि ये जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें कि सुबह सुबह अगर 100 रुपए पर प्राइस पर अगर स्टॉक खुला है, और मान लीजिए कि वो 10 रुपए नीचे गया दिन भर में, लेकिन वो 70 रुपीज हाईएस्ट गया दिन भर में, तो आप ही देखिए कि 10 रुपए नीचे मतलब कि तोड़ने वाले जो है शेयर की प्राइस को नीचे ले जाने वाले सिर्फ 10 रुपए लेके जा सके हैं, जबकि
जो ऊपर लेके जाने वाले हैं वो उसको खींच करके 70 रुपीज तक ऊपर लेके चले गए। इसका मतलब किन में शक्ति ज्यादा हुई? बुल्स में। तो बुल्स ये शो कर रहे हैं कि ट्रेंड ऊपर जाने का है, नीचे जाने का नहीं है, अब ट्रेंड है। तो इससे पता पड़ता है कि जितना ऊपर की तरफ प्राइस जाएगी उससे पता पड़ेगा, कैंडल जितनी लंबी होगी उससे पता पड़ेगा कि कौन सा ट्रेंड ज्यादा पावरफुल है, बुल ट्रेंड या बेयर ट्रेंड। एक चीज तो ये है। दूसरा, अगर मान लीजिए 100 पर खुली और 150 या 120 पर बंद हुई और कैंडल की लेंथ अगर ज्यादा है तो उससे पता पड़ता है कि बहुत सारे लोग यही मान के चल रहे हैं कि ये ट्रेंड क्लियरली अप ट्रेंड है। ठीक है दोस्तों, इससे ये पता पड़ता है। अब इसकी जगह मैं कोई दूसरा सिनेरियो ले लेता हूँ कि जहां पर मान लीजिए जो आपकी कैंडल है वो छोटी है। अब जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया सेम एग्जाम्पल में कि कैंडल इतनी सी है, ये 100 रुपीज पर ओपन हुई और मान लीजिए 105 रुपीज पर क्लोज हो गई। ठीक है, और ओपनिंग प्राइस और क्लोज, ये जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस है वो इस तरीके के हैं कि नीचे गई है मान लीजिए 90 रुपीज तक सेम, और ऊपर गई है 170 तक। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोनों कैंडल्स में डिफरेंस क्या है कि इसकी बॉडी बड़ी है, इसकी कम है। तो सुबह मान लीजिए 100 रुपए पर स्टॉक खुलता है। अब दिन भर में ट्रेडर्स ने क्या किया, इसको दोनों तरीके की जो बेयर्स और बुल्स हैं उन्होंने ताकत लगाई, तो वो 170 तक ले गए। बुल्स इसको 170 तक ले गए और बेयर्स इसको नीचे से नीचे 90 तक ले गए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, टाइम पूरा होता गया, तो ये लास्ट में जो 170 वाले थे इनकी भी जो जो उत्साह था वो कम हुआ। इन्हें भी समझ में आने लगा कि स्टॉक में शेयर में इतनी जान नहीं है, तो उन्होंने ला करके पूरे दिन की ट्रेडिंग के बाद इसको क्लोज किया 105 पर। इससे क्या पता पड़ा? इससे पता पड़ा कि अधिकतर लोग जो यहाँ पर पॉजिटिव सोच रहे थे, यहाँ पर अधिकतर लोग न्यूट्रल सोच रहे हैं, यानी कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। दिन भर की ट्रेडिंग करी और उसी जगह पर ला करके बंद कर दिया। तो इट्स लाइक अ साइक्लिक मोशन कि आप साइकिल को एक सर्किल के चारों तरफ चला रहे हो, आपने खूब सारी गाड़ी चलाई लेकिन बाद में पूरा पेट्रोल खर्च करने के बाद में भी आप कहाँ, वहीं आकर के रुक गए। ठीक है दोस्तों, तो इससे पता पड़ता है कि ऐसा जो ट्रेंड होता है जिसमें कि कैंडल छोटी बन रही है वो शो करती है कि क्लैरिटी नहीं है मार्केट में, यानी बायर्स और सेलर्स जो हैं दोनों के दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं। तो वो दिन भर में पैसा बनाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग करते हैं, दे फटाफट ले फटाफट, दे फटाफट ले फटाफट, लेकिन लास्ट में वही क्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर कैंडल लंबी होती है तो उसमें पता पड़ता है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। तो ये हम लोग एक बार और एक चीज को देखते हैं, उससे भी अपने को पता पड़ जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ ये जो दिखा रहा हूँ, ये जो है दोस्तों टाटा मोटर्स की जो आपकी ये है स्टॉक चार्ट है, प्राइस चार्ट, इसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग वो है आपकी कैंडल, क्या शो कर रही है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल है। तो आप ये देखिए अप ट्रेंड बनना शुरू हो गया है। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे तो ये छोटी कैंडल, अब इसके आगे तो क्या हुआ पता नहीं है, बट थोड़ा सा छोटा करते हैं ग्राफ को, चार्ट को, और हम ये देखते हैं कि अब जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए ये इस वाली कैंडल पे गौर कीजिए, ये वाला दिस वन, इस पर तो आप ये देखेंगे कि पूरी कितनी लंबी नीचे लाइन है, ऊपर कितनी लंबी लाइन है, लेकिन बॉडी क्या है, छोटी सी है। इसका मतलब दिन भर में लोगों ने ट्रेडिंग करी लेकिन कोई नतीजे पर नहीं पहुंचे। तो आप ये देख सकते हैं उसके बाद का जो ट्रेंड है वो करीब करीब न्यूट्रल सा ही है। उसके बाद डाउन ट्रेंड के लिए आप देखेंगे तो यहाँ ये कैंडल देखिए, दिस कैंडल सिंपली शोज कि कितनी लंबी कैंडल है और रेड कैंडल है। तो ये क्या शो करती है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, और आप ये देखेंगे कि उसके बाद प्राइस गिरनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से ये काम करती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है कि स्टॉक्स का मूवमेंट या शेयर्स का मूवमेंट टेक्निकल चार्ट्स पे किस तरह से दिखा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करिए, और साथ में आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, तो जरूर पूछिए। किसी पर्टिकुलर स्टॉक या शेयर का अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्निकल एनालिसिस करके दूं, तो वो भी आप, अगर बहुत सारे लोग अगर उसके बारे में सेम स्टॉक के बारे में लिखेंगे तो मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसमें टेक्निकल एनालिसिस बारीकी से हर एक स्टॉक का करके दिखाऊं, उस स्टॉक का करके दिखाऊंगा। और दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत टाइम देना पड़ता है, तो इस मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक भी करिए और सारे दोस्तों रिश्तेदारों जानकारों सबको शेयर कीजिए। बंद कर दीजिए फालतू मैसेजेस शेयर करना, सिर्फ पॉजिटिव मैसेजेस शेयर कीजिए, इससे वो आपको हमेशा याद रखेंगे और हृदय से आपको हमेशा दुआ देंगे, धन्यवाद देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं,
इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो और भी एक्साइटिंग लाने वाला हूं मैं, तो आप इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत एक्साइटेड रहिएगा। वी विल मीट वेरी सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।